कर मुस्लिम समाज में पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने के बाद जॉब नहीं मिलती, बिल्कुल एक मैसेज चलता है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऐसा बोलते हैं? ये जो कम्युनिटी है एंड इन जनरल सबकी सभी के लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से आप दुनिया बदल सकते हैं। यूपीएससी या फिर कोई भी लाइफ में आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या फिर पायलट बनना चाह रहे हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको रूरल बैकग्राउंड, अर्बन बैकग्राउंड, अमीर गरीब या फिर गर्ल या बॉय, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है, हर कोई हर चीज़ कर सकता है, कोशिश करें। जिस तरीके से आपके माँ बाप ने सपोर्ट किया तो सभी लोगों के माँ बाप सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर मैं आज कुछ हूँ तो मेरे वालिदैन की वजह से ही हूँ। उन्होंने मुझे हर स्टेप में कोऑपरेट किया। मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा था तो उसमें सपोर्ट किया, उसके बाद मैं जॉब करते करते जॉब छोड़ना चाह रहा था, एंड उसके बाद जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, 2-3 साल जब स्टार्टिंग में मेरा आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, उस वक्त भी मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं पूछा कि क्यों नहीं हो रहा है, बल्कि बस उन्होंने इतना ही बोला कि हमको तुम्हारे पर भरोसा है, तुम कर सकते हो, कोशिश करते रहो। इस MSP इन मैनेजमेंट सेंटर में मौजूद हैं, यहाँ पर हमने इनकी गुलपोशी और इनकी तहनीत की है। ये हॉस्पिटल जो है ना, पेन तमाम जॉइंट पेन के लिए हॉस्पिटल है, जिसमें PRP ट्रीटमेंट करके हम एक बीदर में पहली दफ़ा PRP ट्रीटमेंट लाए हैं, जो पेशेंट के ही ब्लड से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट है जो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत ही खुशी के मौके पर जमा हो गए हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, आसिम मुस्तफ़ा आसिम उद्दीन, मोहम्मद मुस्तफ़ा आसिम हमारे बीच के रहने वाले हमारे साथी जो है ना, इस साल UPSC में 481 रैंक ला गए, बिदर की तारीख बनाए गए, और हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा सा पैगाम और मैसेज दिए हैं कि हम लोग अपने एजुकेशन और डिग्री के बाद कोई भी मुकाम पर हम जा सकते हैं। उसके लिए बस हमको मुसलसल एक जद्दोजहद, कोशिश और कामयाबी को हासिल करने तक हमको उसकी मेहनत करना जरूरी है। वो आसिम हम सबको दिखाए हैं कि मेहनत और जद्दोजहद कैसे की जाती है। और हम लोग यहाँ पे जमा हैं तमाम लोग उन्हीं की इस कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए। मैं मोहम्मद आसिम का इस्तकबाल करता हूँ। इसी के छोटे से मौके पर मैं आसिम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो एक छोटी सी हम लोग के लिए एक स्पीच दें, और बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट और मौजूद हैं, यूथ मौजूद हैं, उनको अपना एक पैगाम पहुँचाएं कि अपनी जद्दोजहद कैसे करें और कामयाबी को कैसे हासिल करें। मैं मोहम्मद आसिम से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने आप को पेश करें। बड़ी खुशी हुई मुझे सबसे मुलाकात करके। आफ्टर लाइक 10 ईयर्स मैं मुलाकात कर रहा हूँ सबसे। 2016 मेरा लास्ट ईयर था बैंगलोर में। उससे पहले मैं शारिक भाई, आसिम भाई, फरजान भाई सबके साथ में रहते थे और काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा बैंगलोर में। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग अलग अलग हुए, अपने अपने रास्ते निकले, ढूंढने निकले, फिर जॉब करे, फिर 2 साल जब मैंने 2018 तक मैंने जब जॉब की, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ और भी बड़ा कर सकता हूँ। और इस सोच के साथ मैं सोचा कि चलो जॉब तो कर ही रहा हूँ, इससे और बेहतर क्या किया जा सकता है, बोलिए मैं UPSC सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान आया। और मैं अपने दोस्त हारिफ और नवीन भाई के अंडर के मदद के साथ मैं प्रिपरेशन शुरू किया, और आफ्टर 5 ईयर्स मैं सिविल सर्विसेज क्रैक किया हूँ। तो एक मैसेज जो मैं अपने सारे दोस्तों को, सारे फ्रेंड्स को और नौजवान को एक पहुंचाना चाह रहा हूँ कि एक तो क्या बड़ा सोचिए, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं
तो जैसे अब मैं केमिकल इंजीनियरिंग अगर कर रहा था तो मैं हमेशा सोचता था कि मुझे पेट्रोकेमिकल प्लांट में ही काम करना है, जो उस फील्ड का सबसे हाईएस्ट या बोलते ना सबसे बेस्ट जॉब था। एंड यूपीएससी अगर मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करना था तो मुझे आईएएस के लिए ही ट्राई करना था। एंड बेस्ड ऑन दैट उस थिंकिंग के ऊपर मुझे अभी फिलहाल इंडियन पुलिस सर्विस मिला है। एंड और यही चीज़ के साथ मैं बोलूँगा कि एम बिग एंड अपने जो ख्वाब है उसको कंप्लीट करने के लिए पूरे एफर्ट्स मारे। और अगर कहीं पर फेलियर आ रहा है तो फेलियर को नाकामी को ऐसे सेटबैक के वजह से ना देखें, रादर उसको एज ए स्टेपिंग स्टोन बढ़ा के आगे बढ़ते रहे। जैसे कि मेरे पहले 3 अटेम्प्ट मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया, मगर उसको मैंने और बेहतर अपने आप को बेहतर बनाना अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूटिलाइज करके 4th अटेम्प्ट में पहला प्रीलिम्स निकला, पहला मेंस निकला, पहला इंटरव्यू एंड पहली सर्विस। 5th अटेम्प्ट में फिर प्रीलिम्स निकला, मेंस, इंटरव्यू एंड फिर सीधा आईटीएस। तो अगर आप अपने फेलियर्स को एज ए स्टेपिंग स्टोन बना के आगे बढ़ेंगे तो आप अपने अपने जो ड्रीम्स हैं उसको इजीली अचीव कर पाएंगे। और लास्ट एक छोटा सा आशार है उसको बोल के ख़त्म करूँगा कि तुम गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो अपने लाइफ में आप क्या चैलेंजेस में गिर के उठें और फिर सक्सेसफुल। शुक्रिया। जो है ना काबिल तारीफ ये इनके अल्फाज थे हम लोगों के लिए, हम तमाम विदर यूथ के लिए, कि हम लोग को मोटिवेट करते रहें इसी तरह। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इसी तरह आपको और कामयाबी मिले और तरक्की मिले, और इसी तरह हम तमाम आपको इस मुकाम पर पहुँचने के लिए आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं हमारे हॉस्पिटल के फाउंडर मोहम्मद एम ए खलील पटेल साहब से गुजारिश करता हूँ एक दो और पाँच मिनट की बात। तमाम अजीज दोस्तों और मेरे भाई अब्दुल खलील और मेरे से आज का दिन अचानक मुझे अभी मालूम हुआ कि आपकी तशरीफ आ गई है, तो मैं उन पर बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमारे बुजुर्ग उस्ताद मोहतरम मोहम्मद अली मदनी साहब हमारे लिए बहुत ही हमदर्द से जब भी माफी जाते तो अपने छोटे भाई के ऐसा आपको गले लगाते। ये हमारे आजम अली साहब के दामा थे तो तारों परा थे, ये उनका बहुत बड़ी खुशी हुई कि उनके पोतरे हैं। तो अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, आप जद्दोजहद कामयाब रही। इस तरह मरहूम अलीमुद्दीन साहब बहुत ही नेक इंसान थे और जब भी ऑफिस में कोई टीचर सुन ले और कोई भी आते तो उनको बहुत हमदर्दी से पेश आते। कभी एक नए पैसे की रिश्वत का सवाल नहीं रहता था, आजकल ऑफिसों में देखो चार है। इसलिए मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ आपको, अल्लाह ताला बहुत तरक्की दे और चार चांद लगाए। मैं मुबारकबाद देते हुए हमारे पास फाउंडर खलील पटेल साहब से दफा करता हूँ कि आप आसिम मुस्तफा साहब की शाल को और बिल्कुल चलिए।
मैं मामा के साथ में रहकर हम लोग इंजीनियरिंग और अपने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए थे, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे जो भी साथी हैं वो आए और सर, जैसे आपको अभी यहाँ पर एमबेक्स जो पैन मैनेजमेंट है यहाँ सेंट्रल पर आपको बुलाकर सम्मान किया गया, आप बीदर में एक शख्स है जिनको सभी लोग देखना चाहते थे फोटो में, मास्टर मीडिया हो या और कोई भी मीडिया हो, उस पर आपके फोटोज चल रहे थे, आप यूपीएससी में पास हुए थे, तो कई लोग आपको देख रहे थे, आज पहली बार आप वीडियो के सामने आ रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम आपका किया गया? मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी इज्जत अफजाई मिली मुझे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे जो दोस्त अहबाब है जिसके साथ मैंने अपने एक अच्छा खासा वक्फा गुजारा है 4 साल अपने बैंगलोर में, उन लोगों ने मुझे ये इज्जत अफजाई की, उसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप जहाँ तक पहुँचे हैं सर, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत से मुश्किलें आते हैं, कई लोग पीछे हट जाते हैं, मगर आप वहाँ तक पहुँचे हैं, तो नौजवानों को क्या मैसेज देंगे आप? बीदर के जो नौजवान वहाँ तक जाने के लिए कोशिश करते हैं पर आधे रास्ते में से उनकी जो हिम्मत होती है वो टूट जाती है, तो आप आगे के लिए क्या बोलेंगे? तो एक अशायर बोलूँगा मैं कि हिम्मत कर, मैं कुछ उम्मीद रख, और उसके बाद जो है ना थोड़ी सी किस्मत तलाश कर, तो उसी चीज़ में जो है ना कोशिश करते हुए रहना, और सेटबैक्स आएंगे तो उसको जो है एज़ अ स्टेपिंग स्टोन बनाकर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, अगर कोई चीज़ बड़ी चीज़ मिल रही है तो उसके पीछे मुश्किलात आते हैं, तो आप वो मुश्किलात को अगर एज ए अपने लर्निंग एक्सपीरियंस बनाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। सर, खासकर मुस्लिम समाज में पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने के बाद जॉब नहीं मिलती बल्कि एक मैसेज चलता है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ऐसा बोलते हैं? ये जो कम्युनिटी है एंड इन जनरल सभी के लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप दुनिया बदल सकते हैं, आप अपने आप को एज ए बेहतर इंसान बना सकते हैं, अपने सोसाइटी में आप एज ए बेहतर इंसान बन सकते हैं, और अपने नेशन को एज ए बहुत मल्टी मैग्नीट्यूड में आप एज ए ग्रोथ डेवलपमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो एजुकेशन में जो है ना मैं बस यही बोलूँगा कि आप अगर एजुकेशन को आप अपनी लाइफ में एज ए डेवलपिंग फैक्टर बनाएंगे तो दैट विल बी मच हेल्पफुल। और जो जॉब का है मैं बताता हूँ, दो इंजीनियरिंग के बाद मैंने 2 साल वन ऑफ दी MNC में जॉब की है, एंड उसके बाद मैंने UPSC लगातार दूसरी बार क्रैक किया है, दैट मीन्स हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आप ईजिली कर सकते हैं। कई लोग ये भी सोचते हैं सिर्फ जो अमीर लोग होते हैं उन्हीं के बच्चे ये सब कर सकते हैं, जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो कई दफ़ा ये भी देखा गया है UPSC में जो बच्चे हमारे मुस्लिम समाज के जो पास हुए थे उसमें कई फैमिली ऐसे थे जो नॉर्मल फैमिली से थे, तो आप क्या कहेंगे कि वहाँ पर आपको कैसे लोग मिले और कैसे कैसे आपको कल्चर मिले और कहाँ कहाँ के स्टेट के आपको जो फ्रेंड्स थे? सबसे पहले तो यही बताना चाहूँगा मैं कि UPSC या फिर कोई भी लाइफ में आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं या फिर पायलट बनना चाह रहे हैं, कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको रूरल बैकग्राउंड, अर्बन बैकग्राउंड, अमीर गरीब या फिर गर्ल या बॉय, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है, हर कोई हर चीज़ कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही बताऊँगा कि मैंने कोई कोचिंग नहीं की है, बस मुझे प्रॉपर गाइडेंस मिला है, एंड अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली मिल सकते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली सर्च करके आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका आपको प्रॉपरली गाइड भी करूँगा। एंड मैं अपने इससे एक मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि आप अपने लेवल पर कोशिश करें कि आप इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी बैकग्राउंड आप कोशिश करते रहें, और लड़कियों के लिए भी खास तौर पर मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि आप लोग भी आगे बढ़ें, हिम्मत दिखाएं, और एज ए इक्वल मेंबर ऑफ़ द सोसाइटी आप इसे अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करें। जिस तरीके से आपके माँ बाप ने सपोर्ट किया तो सभी लोगों के माँ बाप सपोर्ट करना चाहिए।
बिल्कुल, मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर मैं आज कुछ हूँ तो मेरे वालिदैन की वजह से ही हूँ। उन्होंने मुझे हर स्टेप में कोऑपरेट किया। मैं इंजीनियरिंग करना चाह रहा था तो उसमें सपोर्ट किया। उसके बाद मैं जॉब करते करते जॉब छोड़ना चाह रहा था, एंड उसके बाद जब मैं यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, 2-3 साल जब स्टार्टिंग में मेरा आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स, उस वक्त भी मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं पूछा कि क्यों नहीं हो रहा है बोल के, बस उन्होंने इतना ही बोला कि हमको तुम्हारे पर भरोसा है, तुम कर सकते हो, कोशिश करते रहो। उसके बाद जब 4th अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकला तो उनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये आराम से कर लेगा, एंड उसी कॉन्फिडेंस को मैं बरकरार करते रखते हुए मैं इस साल फिर से इंडियन पुलिस सर्विस मिल सकती है मुझे। थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पर आसिम मुस्तफ़ा जो है उनको बुलाकर सम्मान किए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है और आपकी जो ये क्लिनिक है इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल हमारी आवाम को? जी, मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ मोहम्मद आसिम मुस्तफ़ा साहब का, जिन्होंने हमारी एक छोटी सी इनविटेशन पर वो दावत कबूल की और यहाँ पर मौजूद रहे। ये हमारे छोटे भाई की तरह हैं। हम लोग का बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा है बेंगलोर में। हमारे साथी, तमाम साथी मौजूद हैं, अरशद, आसिम, फैज़ान, शारिख, ये लोग, और हम इस MSP इन मैनेजमेंट सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पर हमने इनकी गुलपोशी और इनकी तहनीत की है। ये हॉस्पिटल जो है ना, पेन तमाम जॉइंट पेन के लिए हॉस्पिटल है, जिसमें PRP ट्रीटमेंट करके हम एक बीदर में पहली दफ़ा PRP ट्रीटमेंट लाए हैं, जो पेशेंट के ही ब्लड से हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करते हैं। ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट है जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। बस हमारा मकसद था कि हम आसिम को यहाँ पर बुलाएं, और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स मौजूद हैं जो अभी अभी अपने ग्रेजुएशन कम्प्लीट किए हैं। हमारा मकसद था कि उनको ये कुछ अल्फाज बताएँ और अपने मुस्तकबिल को संवारे और एक नई राह भी चुन सकते हैं। उसी लिए हमारा मकसद था कि आसिम मुस्तफा को बुलाएं।